अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ, चटखारे रोल पराठों की रेसिपी। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 1 किलो चिकन चाहिए हमें, 5 टेबल स्पून हरी चटनी, इसकी रेसिपी आपको मैं दे चुकी हूँ, मेरे पेज पर है। 6 टेबल स्पून दही, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून कढ़ाई गोश्त मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला, 1 टीस्पून कौरमे का मसाला, 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस। ये ऑप्शनल है, ये है तो ऐड करें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के सिरका, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो ऐड करें, नहीं है तो आप छोड़ दें। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर है 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून ही धनिया पाउडर है मेरे पास। और पराठे है वो फ्रोज़न यूज़ करूँगी। सबसे पहले अपने दही में हम डाल सॉरी चिकन में डालेंगे हम दही। फिर ऐड करेंगे सिरका, सोया सॉस, बारबेक्यू सॉस, कढ़ाई गोश्त मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला और फिर ऐड करेंगे हम हरी चटनी, 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला। इसको तमाम स्पाइसेस में ऐड करेंगे। तमाम मसाले ऐड कर लिए, इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। तमाम चीज़ें ऐड कर लिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक फोक की मदद से आप इसको चिकन को अच्छी तरह फोक चिकन के दरमियान फोक आप इस तरह मारती रहें, ताकि जो है अच्छी तरह मसाला जो है वो चिकन के अंदर लग जाए। चिकन हमारा हमने मैरिनेट करने के लिए अब रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर 1 घंटे बाद हम अपने चिकन को पकाएंगे, फिर बताते हैं आगे आपने क्या करना है। चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है तो अपनी जो है स्पाइसी चटनी रेडी कर लेते हैं रोल पराठे के लिए। इसके लिए चाहिए मुझे 1/2 कप इमली का पल्प, नीम का जूस, 1 पूरा नींबू ले लिए, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून टाटरी या खटाई पाउडर डाल सकते हैं आप, आमचूर पाउडर तो वो डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काला नमक और वाइट नमक जो अपने जायके के मुताबिक डालना है, हरा धनिया ले लिया मैंने थोड़ा सा तकरीबन 3 टेबल स्पून, एक छोटा प्याज ले लिया उसको मैंने इस तरह पीसेज में काट लिया है, 1 छोटी हरी मिर्च ली है, 1/2 टमाटर लिया है और 1 अदरक का पीस लिया है। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। एक ब्लेंडर में तमाम चीज़ें डाली हैं, प्याज डाली है, हरा धनिया, टमाटर, मिर्च और अदरक का पीस, नींबू का जूस चला गया, इमली का पल्प चला गया, खटाई पाउडर, चाट मसाला, नमक काला नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे, ये ब्लेंड नहीं हो रहा। अब हम इसमें ही इमली की पल्प में ही इसको ब्लेंड करेंगे। हमारी खट्टी चटनी रेडी हो चुकी है रोल पराठे के लिए। अब हम अपनी ग्रीन चटनी को रेडी करेंगे। इमली की हमारी खट्टी चटनी थी वो रेडी हो चुकी है, देखिए ये थिन पेस्ट। अब अपनी ग्रीन चटनी रेडी करेंगे। पुदीने चाहिए मुझे 8-10 पत्ते पुदीने के चाहिए, इमली का पल्प चाहिए, पानी चाहिए
3 टेबल स्पून नींबू का जूस चाहिए, एक पूरा नींबू ले लिया था, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून चाट मसाला और 1/2 टी स्पून काला नमक, नमक जायके के मुताबिक, 2 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली हैं, भुना हुआ ज़ीरा ले लिया है और मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून धनिया ले लिया है। अब इसी ब्लेंडर में जिसमें मैंने चटनी बनाई थी इसको धोएंगे नहीं, इसी ब्लेंडर में हम बनाएंगे। पुदीना डाल लेंगे, इमली का पानी, थिन सा, इसका भी थिन सा पेस्ट बनाना है, धनिया, लीमू, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमारी हरी चटनी भी रेडी हो चुकी है, ये भी मेरी रेडी है और प्याजों काट के मैंने पानी में डाल के रख दिया। प्याज काटें और पानी में डाल के फ्रीज़र में रख दें 10 मिनट के लिए, तक प्याज कड़वाहट है वो निकल जाए। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको मैं इसको पकाऊंगी। 1 घंटा हो चुका था, अब मैं इसको अच्छी तरह पका लूँगी। एक फ्राई पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है, अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। इसमें डाल लिया चिकन, कुछ तरह पका लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, चटनी भी हमारी रेडी है रोल पराठों के लिए। ये पराठे हैं फ्रोज़न और मैंने पराठों को फ्राई कर रही हूँ, हल्का तेल डाल के मैंने पराठा डाल दिए। तमाम पराठे मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी, इनको फ्राई कर लूँगी। हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, पराठे भी हमारे रेडी हो गए, अपने पराठों को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये प्लास्टिक है चॉपर, जो घर में आम होते हैं उनको मैंने काट लिया। अगर आपके पास नहीं है बटर पेपर या रैप करने वाली शीट तो कोई मसला नहीं है, आप इसे भी रैप कर सकते हैं। इस पर पराठा रखेंगे, पराठा रख लिया है, इस पर हम लगाएंगे ये वाली चटनी हमने रेडी की थी पराठों के लिए, इसको फैला देंगे। आपको जितना स्पाइसी रखना है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर फैला सकते हैं, लगा सकते हैं। और फिर ये वाली चटनी ये रखेंगे, चिकन लगाएंगे इस पर अपना, चिकन हमने रख लिया। फिर हम थोड़ी सी ये चिकन के ऊपर लगाएंगे, फिर हम प्याज रखेंगे अपने, आप जितने पसंद हो अपने रखें। फिर अगेन ये प्याजों के ऊपर इसको रोल करेंगे, इसको हम रोल करेंगे इस तरह, इसको रोल करते जाएंगे। तमाम रोल पराठे हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। मेरे तमाम रोल पराठे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसे बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।